हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक टू मिनट में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस तरह के क्लॉक कैसे बना सकते हैं अपने ही घर पे। इसके लिए आपको एक पुराने मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ ही आपको एक पुराने चार्जर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो वर्किंग कंडीशन में हो। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये सैमसंग का मोबाइल है जिससे मैं आपको एक क्लॉक बना के बताऊँगा। अगर आपके पास कोई पुराना मोबाइल है तो आप उसका यूज क्लॉक की तरह कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में 1.5 MB की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है एनालॉग क्लॉक लाइव वॉलपेपर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो आपके सामने जो सबसे पहली एप्लीकेशन आ रही है, ये एप्लीकेशन 1.4 MB के है, आपको इसे डाउनलोड करना है, एनालॉग क्लॉक लाइव वॉलपेपर 7। अब आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो चुकी है और अब मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमें सबसे नीचे जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कीप स्क्रीन ऑन, आपको इसे ऑन कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप अपनी क्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप भी इस कलर्स पे क्लिक करके आप अपनी क्लॉक को अच्छे से कस्टमाइज कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं इनके कलर चेंज करने का। मैं यहाँ पर एक जल्दी से अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप अपनी क्लॉक को अलग अलग कलर में कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको ग्रेडिएंट स्टाइल पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाले कलर में कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो पुराने कलर से बिल्कुल ही डिफरेंट हो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट किया, इसके बाद ये क्लॉक कितनी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं इसके अलावा हमको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जिससे आप अपनी क्लॉक को और कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारी क्लॉक ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी हमारी पूरी सेटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और अब हमारी क्लॉक यूज करने के लिए तैयार है। अब आपको इस मोबाइल को चार्जिंग से कनेक्ट कर देना है और आपको इसे एक जगह फिक्स कर देना है। इस तरह से आप भी एक अच्छी सी क्लॉक बना सकते हैं अपने पुराने मोबाइल की सहायता से। तो चलिए अभी मैं लाइट को ऑफ करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ ये क्लॉक हमें नाइट में किस तरह की देखने को मिलती है। नाइट में मोबाइल का ब्राइटनेस सिर्फ 10% ही रखें जिससे ये क्लॉक आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।